नगसर थाना पुलिस ने शुक्रवार की सुबह पेजुआ पुलिस के पास के पुलिस टीम पर फायर कर भाग रहे चार पशु तस्करों को दबोच लिया। उनके पास से दो तमंचा, कारतूस, मोबाइल के साथ ही चार मवेशी भी बरामद किए गए हैं। नगसर थाना अध्यक्ष प्रशांत कुमार चौधरी ने बताया कि अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस क्षेत्र में भ्रमणशील थी। इसी दौरान भोर में करीब 4:15 बजे मुखबिर की सूचना पेजुआ नहर पर पुलिया के पास मवेशी लगे एक पिकअप वाहन को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उस पर सवार लोगों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस टीम द्वारा घेरेबंदी कर चार तस्करों को दबोच लिया गया। वाहन से चार बछड़े के साथ ही 315 बोर का दो तमंचा, तीन कारतूस और चार मोबाइल बरामद किया गया है। एसओ ने बताया कि गिरफ्तार लोगों में नौसाद निवासी ग्राम रक्सहा थाना दिलदार नगर, शेषु पासवान निवासी ग्राम खजुहा थाना सोवल, हासिब खान निवासी महादेव मंदिर दिलदार नगर, रामबचन राजभर निवासी ग्राम सुनहरिया फुल्ली थाना जमानिया शामिल हैं। इन सभी अभियुक्तों का संबंधित धाराओं में चालान कर दिया गया है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उप निरीक्षक होरिल यादव, हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार, कांस्टेबल रुद्र प्रताप सिंह, कांस्टेबल अजीत वर्मा, कांस्टेबल राज बहादुर और कांस्टेबल उपेंद्र गौड़ शामिल थे। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।